Okay, very good evening to all of you. मैं आज से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ. मतलब हमने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंट्स, वो हम आज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं. नोट्स नहीं लिखने बट पूरा वापस से समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन वापस से कराऊंगा. हाँ, जिनने पहले पढ़ रखा है उनके लिए ऑप्शन है कि वो अभी थोड़े दिन क्लास का स्किप कर सकते हैं. अगर तुम्हें लगता है कि हमें आता है सब तो भी करना, तुम्हें लगता है कि नहीं हमें रिवाइज करना है, वापस से पढ़ना है, पूरी एक एक चीज समझनी है, तो क्लास को प्रॉपरली अटेंड करना है. ठीक है, ये उनके लिए है जिनने बेटा एक महीने की क्लास कर ली है. और जो नए बच्चे हैं समीर बेटा, उनको तो करना ही है क्लास कंटिन्यू. ठीक है, अभी 3 दिन है ना अकाउंट से क्लास चलेगी, मतलब 16, 17 और 18, ये एक एक घंटे रहेगी. अभी से 19 तारीख को संडे छुट्टी रहेगी, 20 तारीख को हम लोग मतलब दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे. एग्जाम का जो तुम्हारा डाउट था वो भी मोस्टली 99% क्लियर है. फिर एग्जाम्स हमारे होंगे, फाइनल एग्जाम सीधे सीधे होगा. नो टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट हट गया है, तो वो वाली अब चीजों का अपने को टेंशन लेना ही नहीं है कि टर्म 1 टर्म 2 में कुछ होने वाला है. क्लियर है? अरे हाँ ना. ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो जो चैप्टर डिलीटेड थे वो सारी चीजें मैंने बता दी है ऑलरेडी, और शायद यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है. मुझे याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा. नहीं करा होगा तो मैं वापस अपलोड पे डाल दूंगा. ठीक है, सबसे पहला चैप्टर अगर हम उठा रहे हैं, हम पहली बुक अगर उठाते हैं टीएस ग्रेवाल में, तो कौन सी है हमारी? हाँ, हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, टीएस ग्रेवाल से. और टीएस ग्रेवाल में जो पहली बुक है उसमें हमारे 2 चैप्टर थे, एनपीओ और दूसरा पार्टनरशिप. ठीक है, एनपीओ तो पूरा का पूरा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, वो अब हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो हमने पढ़ा भी नहीं था और हमें पढ़ना भी नहीं है. रही बात पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप मतलब चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे. इसके टोटल 7 चैप्टर है, मतलब ऐसे देखा जाएगा तो टोटल 8 चैप्टर इस बुक में. बट अगर हम यूं देखें तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे, पार्टनरशिप के 7 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. बट वापस से ये समझ लो यहां से पूरा नया ही स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, सिर्फ नोट्स मेरे लिखे हुए हैं, तो नोट्स ऑलरेडी तुमको लिखे हुए मिल जाएंगे, वहां से मैं रीड करके या समझाने वाला पार्ट ले लूंगा. बाकी क्वेश्चंस वगैरह हम वापस से पूरे सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे. क्लियर है सबको? ओके, समीर, अदिति, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो डन का मैसेज. और बेटा टाइम से आने की ट्राई करो. यस सर, क्लासेस बिल्कुल टाइम से, मतलब टाइम से 4:30 है तो 4:30 चालू हो जाएगी. हाँ, मंडे से क्लासेस का टाइमिंग जो भी होगा मैं फाइनल कर दूंगा, एक बार मुझे स्कूल के टाइमिंग्स क्लियर हो जाए सबके, मतलब एमजीएम वाले जो भगोना वाले उधर भी और बाकी सब इधर भी, मतलब क्योंकि उनका लेट रहता है थोड़ा सा, और एक आरडी वाले बच्चों का. बाकी एलएफएस सतपुड़ा केवी तुम लोगों के लगभग टाइमिंग्स नॉर्मल छूट जाते हो, तो अपन उस हिसाब से क्लास को मैनेज करेंगे. क्लियर? और जो टाइमिंग डिसाइड हो जाएगा वो ही फाइनल चलेगा आगे तक. बार बार चेंज मत कराना कि सर ये टाइम सूट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. अकाउंट्स की क्लास रिकॉर्डेड रहेगी. रिकॉर्डेड से मतलब ये नहीं होता है कि हम क्लास नहीं लेके और सीधे सीधे ऐप पे हम सारी चीजें करने लगे. ऐप तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूँ कि उसमें कभी कोई छूट जाता है, रिविजन करना है तो तुम दोबारा देख सकते हो. बट इको और बीएससी क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेगी. नोट सबके मिल जाएंगे तुम्हें ऐप पे, बट कोशिश ये करना जितना क्लास को रेगुलर कर सके हो, जितना लाइव मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन बैठना और ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन बैठना कंटिन्यूस रखना, तो ही तुम्हें समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा. ठीक है, कनेक्टेड रहेंगे. चैप्टर 2 से चैप्टर 3 कनेक्टेड है, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके हुए आगे के सारे चैप्टर कनेक्टेड है. अगर एक चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ तो आगे के कोई भी चैप्टर नहीं बनने वाले. तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल चैप्टर है. क्लियर है सबको? ठीक है, बुक निकाल लो फटाफट, बुक निकाल लो जल्दी से. चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स. अभी है ना मैंने ऐप पे इस चैप्टर के नोट्स डाले नहीं है, कल मिल जाएंगे तुम्हें, कल या परसों में इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स तुम्हें ऐप पे मिल जाएंगे. चलो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फर्म फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमें थ्योरी में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, फीचर्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर इसके बाद प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप में हमें ध्यान रखने हैं, और लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर. इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें प्रैक्टिकल में देखने हैं.
ओके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो चलो किसी को याद है सर? अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप पे, किसी ने पढ़ा था ग्रुप में मैसेज क्या था? हाँ हाँ पढ़े थे मैसेज, बताओ क्या पढ़ा था? कुछ लिख के भेजा था उसमें, हिंदी में भी डाला था इंग्लिश में भी डाला था, रिवाइज करके आना है ना। हाँ ये मैंने लिखा था उसमें कि बेटा आने से पहले ना चैप्टर रिवाइज करके आना, जिन जिन ने पढ़ रखा पढ़ के आना। किसने करा ईमानदारी से? करा, एक दो करे हैं चैप्टर रिवाइज। आपने को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, कोसों कोसों दूर है हम, है कि नहीं मैडम? बेटा इस बार सीरियस हो जा, 11th में जो हो गया हो गया, 12th में नहीं चाहिए अपने को चीज, ठीक है? चलो तो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बेटा ये कौन सा एक्ट के अंदर आता है हमारा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें एक सेक्शन 4 है जिसमें पार्टनरशिप का मीनिंग दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मेरी बात ध्यान से सुनना है, इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई चीजें तुम्हारे ना प्रैक्टिकल में भी जाती है, और इवन पार्टनरशिप से थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? भले वो एमसीक्यू फॉर्म में आए या फिर वो थ्योरी फॉर्म में आए कि पार्टनरशिप क्या होती है, तो मैं लिखने के लिए भी आ सकता है, इसके अलावा थ्योरी एमसीक्यू फॉर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होते हैं। ये तुमने 11th में भी पढ़ रखा होगा, बिजनेस स्टडीज वाले चैप्टर, मतलब बिजनेस स्टडीज वाले सिलेबस में पढ़ा है ना, ये पहले भी बताया था मैंने। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पर्संस, तो बेटा एक चीज याद रखना है, पर्संस में एस लगा हुआ है, एस लगा है इसका मतलब दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि अकेला बंदा कभी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, मिनिमम आपको 2 की रिक्वायरमेंट है या दो से ज्यादा भी हो सकती है, क्लियर है? फिर आते हैं हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये लोग क्यों आ रहे हैं बिजनेस में? तो बेटा ये आ रहे हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हम इसको बोले तो लॉस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस का दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारा? नेगेटिव प्रॉफिट। तो जो नेगेटिव प्रॉफिट है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा है, बट इसको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है एक्ट में कि प्रॉफिट मतलब लॉस की बात भी कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वली शेयर, मतलब इक्वली है या कोई उनका रेशियो है उसमें वो लोग शेयर कर सकते हैं। पार्टनर हमारे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, ए या बी दो पार्टनर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट आया कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस चीज को समझना ध्यान से, पहली बात कैरीड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो तीनों के तीनों पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तीनों पार्टनर्स अपना एंगेजमेंट दे रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा जो पार्टनरशिप का टाइम है, मतलब अगर जो बिजनेस का टाइम है एग्जांपल के लिए 11 बजे से 8 बजे तक है, तो तीनों पार्टनर 11 बजे आ जाते हैं और 8 बजे ही जाते हैं जब छुट्टी होती है ना, और तीनों अपना पूरा मतलब धन तन से लगे हैं सारी चीजों से, मतलब तीनों ने कैपिटल भी लगाया है, तीनों वहां पे काम भी कर रहे हैं, और तीनों वहां पे प्रैक्टिस भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है बिजनेस में। बट कई बार ऐसा होता है कि पैसा किसी और का लगा होता है, काम कोई और करता है, तो उसे हम बोलते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन ए ने कर लिया तो उसके लिए कौन लायबल रहेगा? अच्छा अपन ने लायबिलिटी वाला पॉइंट भी पहले पढ़ रखा था, बोलो यस सर, बताया था लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर वाला, मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ये स्कूल में नहीं बताया जाता है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरे हाँ है ना, ठीक है? तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब मान लो ए ने कोई कांड करके आया तो उसके पीछे लायबल कौन रहेगा? बी और सी भी कहलाएंगे। ऐसा नहीं रहता है कि ए ने करके आया तो सिर्फ ए को ही पकड़ो, क्योंकि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पे कौन लायबल हो सकता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है? समीर, अदिति, अदिति तो बेटा पुरानी स्टूडेंट है, समीर समझ में आ रहा है? समीर कहीं भी सर, तो एक तो मैसेज कर सकता है और हैंडरेस करने का ऑप्शन आता है, हैंडरेस करके अपना डाउट भी पूछ सकता है। ओके अब हम आते हैं इसके बाद कि पार्टनरशिप में हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम कुछ बात करें कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है। ओके ओके
पार्टनरशिप में अगर मैं इंपॉर्टेंट टर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कि पार्टनर्स कौन होते हैं। तो पार्टनर्स द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए आते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर, एक पर्टिकुलर फर्म को लेकर, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। अगर हम फर्म की बात करें तो उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है बेटा, फर्म कहा जाता है। ये चीजें नहीं पूछी जाती है। हाँ, ऊपर वाला जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। मैं साथ में तुम्हें ये भी बताते जाऊंगा कि कहाँ इम्पोर्टेंस हमें कितना ध्यान देना है। इनको एक एक बार भी पढ़ लिया तो बहुत होता है। फर्म नेम की अगर हम बात करें तो द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरी इज कॉल्ड फर्म नेम। किसी भी फर्म के अंदर आप काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो जैसे कंपनीज के नाम है, तुमने सुन रखे होंगे रिलायंस टाटा, बोलो यस सर, है ना, ये कंपनी है। बट ऐसे कोई मान लो पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी लिमिटेड, लिमिटेड भी बेटा उसमें चले जाएगा। एबीसी एंड एसोसिएट्स करके अगर मैं बात करूं तो ये अगर पार्टनरशिप है तो ये पार्टनरशिप का नाम है, तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है तो ये फर्म का नाम हो गया हमारा। क्लियर है सबको? चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, थ्योरी में थोड़ा फास्ट इसलिए चलता हूँ क्योंकि अकाउंट्स में एक चीज हमेशा याद रखना, अकाउंट्स में तुम्हारा 80% जो रहेगा, 80% इज रिलेटेड टू, 80% इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल और 20% तुम्हारा थ्योरी रहता है। अब 20% से मेरा मतलब यह है कि इसमें क्या करते हैं, चार पांच, पांच छह नंबर के तो थ्योरी का मतलब प्योर थ्योरी जो हम बोलते हैं वैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, और कुछ पांच एक नंबर में तुम्हारा प्रैक्टिकल थ्योरी डाल दिया जाता है। तो ये वो वाला पोर्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी को ये बोलता हूँ कि थ्योरी करो। थ्योरी क्यों जरूरी होती है, तो हमारा प्रैक्टिकल बेस बनाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए हम नोट्स सारे अलग बना रहे हैं, दो कॉपी बनेगी, नोट्स कॉपी अलग बनेगी, प्रैक्टिस कॉपी अलग बनेगी। नोट्स कॉपी में हम पूरा नोट्स का पढ़ेंगे, मतलब जिसमें हमें एग्जाम में भी काम आएगा अलग से अलग पढ़ने के लिए। बनाई नहीं बनाई होते पीछे, बन गई ना, चलो ठीक है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करें तो बेटा जो अपन ने मीन पढ़ा है उसी से फीचर्स निकल के आ रहे हैं, उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या आया यहाँ पे, टू और मोर पर्सन में हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बेटा दो या दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्शन ये है कि कौन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पागल, है ना, लेमैन लैंग्वेज में तो हम पागल ही बोलते हैं, इनसेन, है ना, जो जिसमें क्या बोलना चाहिए, क्षमता नहीं होती है कुछ समझने की, कुछ करने की, ठीक है। तो ऐसा बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, मतलब उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं कहलाएगी। या एक तरीके से ये समझ लो कि आपने तो उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, बट कल को अगर लॉस होता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, पूरा का पूरा केस किसके ऊपर बन जाएगा, आपके ऊपर बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। एनी लॉ से मतलब होता है, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पढ़ा हुआ है 11th में। इंसॉल्वेंट मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दिवालिया घोषित हो जाना। जो दिवालिया हो जाता है, और ये वो होता है, ये जिसको हम बोल सकते हैं बैंकरप्ट हो जाता है जो पर्सन, ठीक है। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, इसकी पर्सनल असेट्स तक लग चुकी होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको पार्टनरशिप में लेने का कोई मतलब नहीं है। कल को कोई लॉस होता है तो आप क्या कर रहे हो, इसको ले रहे हो, कल को पता लगा इसकी वजह से वापस कोई लॉस हो गया तो ये कुछ भी बियर नहीं करेगा, फिर आपके डिस्प्यूट कहाँ आएंगे, कोर्ट में आएंगे। तो कोर्ट पहले ही मना कर देता है कि इस पर्सन को आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? कोर्ट ऐसे और भी पर्सन को कह सकता है अगर उन्हें कहीं लगता है, जैसे किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है, और ऐसे वाले, या फिर कई बार है ना किसी के ऊपर देशद्रोह वाले चार्जेस लग जाते हैं, लगते हैं ऐसे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बेटा उसके लिए भी कई बार कोर्ट मना कर देता है कि आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना तो आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें मना कर रखा है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए तो मैं तुमको हर बार बोलता हूँ, तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है। क्या माइनर से मतलब होता है 18 माइनस 18 या 18 प्लस, बताओ कौन सी एज, मतलब कहाँ पे बोलोगे कि माइनर है और कहाँ बोलोगे मेजर है। माइनर 18
अंडर 18 है कि 18 है कि अबाउ 18 में 18 भी और अंडर 18 भी माइनर है. अंडर 18 वाले माइनर, ये चीज याद रखना. कई बार क्वेश्चन में 18 दे देते हैं और 18 माइनर नहीं होता है, 18 मेजर होता है. ठीक है, अगर अंडर 18 है मतलब 17, 16, 15 तो ये तुम्हारे माइनर कहलाएंगे. बट जैसे तुम एज आती है 18 तो कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं हम, मेजर में. माइनर को पार्टनर रख सकते हैं, कोई बताएगा इसका आंसर? अदिति आंसर सही था बेटा, यस. चलो तो यहाँ पे उस चीज को मैंने लिखवाया था कि माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर हमारा पार्टनर हो सकता है. आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स, एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट इन द लॉसेस. लॉसेस में नहीं होगा, प्रॉफिट में हमारा पार्टनर हो सकता है. ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो माइनर को देना पड़ेगा, तो अगर लॉस होगा तो बेटा माइनर बियर नहीं करेगा. ओके, कभी भी आंसर है ना, अगर तुमसे पूछा जाए कि माइनर पार्टनर बन सकता है नहीं बन सकता है, तुम ये आंसर देके बताना कि माइनर कैन बी अ पार्टनर. तुम्हें मालूम है कि बन सकता है, बट उसके आगे लिखना, ये बहुत जरूरी है कि वो कायम में हो सकता है और कायम में नहीं, मतलब प्रॉफिट में हो सकता है और लॉसेस में नहीं हो सकता है. चलो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है. अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 months. उसे बेटा 6 महीने के अंदर बताना होता है, एक्सेप्टेंस देनी होती है कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या वो पार्टनरशिप से बाहर आना चाहता है. अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, इफ ही और शी डज नॉट असाइड बेटा, ही बिकम्स लाइबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही बिकम पार्टनर. अगर उसने 6 महीने में नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आज की क्या डेट है हमारी, 16 जून. ठीक है, आज मान लो एक माइनर हमारा मेजर हो गया, इसके पास 6 महीने का टाइम है. 6 महीने यहाँ से कितने, 6 महीने मतलब कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब मोटा मोटा मान लो तो 17 या 16 है ना, 16 दिसंबर. ये हमारी जो वो डेट आई कि इस डेट तक हमें क्या करना है, उस जो पार्टनर था मान लो सी, यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर था जो पहले माइनर था और मेजर में कन्वर्ट हो गया, इसे इस 6 महीने के अंदर बेटा यहाँ पे क्या करना था, एक्सेप्ट करना था या रिफ्यूज करना था पार्टनरशिप को. इसने 6 महीने तक कोई भी जवाब नहीं दिया, 6 महीने तक इसने कोई भी जवाब नहीं दिया. आंसर क्या बोलोगे? अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये लाइबल होगा 16th of June से सारी एक्टिविटी के लिए. आ रहा है समझ में? इसके बाद से जितनी एक्टिविटी हुई है उन सब के लिए लाइबल होगा, कि क्योंकि इसने कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया है. और जहां नहीं, कुछ नहीं बोला जाता है वहां क्या माना जाता है, मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर तुम आप एक्ट में कभी भी बेटा, अगर एक्ट में हमें बोला गया कि अगर आप साइलेंस हो तो साइलेंस का मतलब हाँ माना जाता है. ठीक है, मतलब अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब आपने वो एक्ट कर दिया है या उसको माना जाएगा कि आप वो चीज कर रहे हो. क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एग्रीमेंट बिजनेस. ओके, एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. तो इसमें हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट को यहाँ पे बोला जाता है डीड. डीड वर्ड याद रखना, बहुत सुनने को मिलेगा तुम्हें, DEED. ठीक है, अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. ओरल डीड वैलिड होती है, मैं ये वापस से बोल रहा हूँ, याद रखना. एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर भी बताया हुआ है इलस्ट्रेशन में, आगे कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरल डीड वैलिड होती है. एग्जाम में दिया होगा कि वहां पे आपने ओरल डीड करी है, सारे पॉइंट्स ये होंगे. बाद में कई बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है कि ओरल डीड वैलिड होती है, तो वो सारे पॉइंट्स गलत करके आ जाते हैं और फिर नंबर पूरे कट जाते हैं. क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए. देखो बिजनेस होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर आप आ रहे हो तो किस चीज के लिए आओगे, बिजनेस के लिए आओगे पहली बात. और बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि पता लगे हमने पार्टनरशिप बनाई और क्या कर रहे हैं हम लोग, तस्करी कर रहे हैं गाय की, गोल्ड की, है ना. ऐसा काम नहीं करना है, मतलब अपने को ऐसा कुछ अफीम गांधा नहीं भेजना है कि पता लगे कि अपन पार्टनरशिप में आ रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं. लीगल बिजनेस जो होते हैं एज पर गवर्नमेंट आप वो चीजें कर सकते हो. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे शेयरिंग रेशियो आपको बताना होता है कि आपका कितना रहेगा, नहीं बताते तो क्या माना जाता है, इक्वल.
और सबसे लास्ट में जो पॉइंट हमने देखा था दैट इज बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या फिर उनमें से कोई एक भी काम करेगा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को काम करना जरूरी होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो तो डन का मैसेज। अब एक बार बुक में देखो, यस समीर अदिति क्लियर है, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले इधर क्लियर है सबको? ठीक है, बुक में देखो मैंने पहला पेज कवर कर दिया है जिसमें मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है जहां पे नेचर लिखा हुआ है। दूसरा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पेज हो चुका है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स को बुक से ही पढ़ लेना, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड ये वाला जो टॉपिक है मैं हमेशा बोलता हूँ बुक से सिर्फ कंटेंट पढ़ लो, आता नहीं है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राइट एनी थ्री कंटेंट्स या टू कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपको क्या करना है उसको याद। अब कंटेंट मतलब क्या होता है, कोई भी डीड बनाओगे तो क्या, डीड मतलब एग्रीमेंट बनाओगे तो क्या क्या लिखोगे? तो भाई पार्टियों के नाम लिखेंगे, उनके एड्रेस लिखेंगे, फर्म का नेम लिखेंगे, बिजनेस किस पे करना चाह रहे हैं हम, रेशियो क्या रखना चाह रहे हैं, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा। तो यही सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं पेज नंबर 2.3 पे, पॉइंट्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ, पेज नंबर 2.4 पे देखो क्या दिया हुआ है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डील और प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। ये वाला जो प्रोविजन है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये मैं पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, ये वाला और लाइबिलिटी वाला, ये दो पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स उठाते जाएंगे और कवर करते जाएंगे। आज पहली क्लास है इसलिए कम पढ़ा रहा हूँ चीजें, पहले अपन समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। कुछ बच्चों को मालूम है कि पहले कैसे पढ़ाया था, किस तरीके से करा था और अभी हम आगे किस तरीके से करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल अभी जाना नहीं है, यहां तक क्लियर है? इसके नोट्स वगैरह तो मैं सारे मिल जाएंगे, अभी सिर्फ मैंने थ्योरी बता दी कि पार्टनरशिप में हमें करना क्या है। अब एक काम करो, बुक में आओ और जहां पे इंडेक्स दिया हुआ है, जहां पे इंडेक्स दिया हुआ है वहां पे आओ जल्दी से सब जने। चलो इंडेक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर तो पूरा डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये देख रहे हैं सारे चैप्टर्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स क्या हमारे एग्जाम में है? तो हाँ हमारे एग्जाम में है। सब पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करोगे? हाँ बेटा पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करूंगा और पार्टनरशिप चलेगा तुम्हारा कम से कम 1.5 महीना। ये पार्टनरशिप 1.5 महीना चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 2 1.5 महीना चलेगा, ये सारे चैप्टर्स मिला के तुम्हारे करीब करीब कितने महीने चले जाएंगे? 1.5 महीने लग जाएंगे, 1.5 से 2 महीने लग जाता है इसमें। अगर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हमें इतना टाइम देना ही पड़ेगा एक एक चीज को प्रॉपर वे में पढ़ने को। एक चीज और याद रखना, रिविजन बाद में होगा बट तुम चाहो कि सर पूरा का पूरा चैप्टर बाद में वापस से पढ़ाने को मिलता है, मतलब वापस से पढ़ने को मिलेगा तो ना तो स्कूल में मिलेगा ना ही कोचिंग में मिलेगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो रिकॉर्डेड रहेगा उससे तुम पढ़ सकते हो लेक्चर्स भाई, अदरवाइज तो मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें खुद को टाइम नहीं मिलेगा कि तुम दोबारा कोई चैप्टर पूरा पढ़ पाओ। इसलिए बेटर है कि अभी से आज से ही अपना रेगुलरिटी रखना चालू कर देना। ठीक है, और हाँ आज भी जो एबसेंट है उनकी भी एबसेंटी लिस्ट जाएगी, और अभी जो भी एबसेंट रहेंगे डेली तुम्हारे पेरेंट्स ग्रुप में तुम्हारी एबसेंटी लिस्ट जाएगी अगर तुम यहाँ पे एबसेंट होते हो, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो। और ये स्ट्रिक्टली बोल दे रहा हूँ ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन बैठना अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें बैठना है एक दिन पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाओ, कोई रीजन होगा तो जेन्युइन रीजन होगा तो बात अलग है, अदरवाइज अलाउड नहीं। ठीक है, और इन सबको भी बोल देना सबकी, हाँ तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ और तुम्हें लगता है कि सर हमें आता है बहुत अच्छे से, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर मुझे कन्वे करो मैसेज, और फिर जितने दिन अभी है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उतने दिन तुम्हारी छुट्टी है अकाउंट से, फिर वापस चैप्टर नंबर 3 से तुम्हें कंटिन्यू करना है। चलो ये मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया, इसमें देखो चैप्टर नंबर 3 जो है ना गुडविल, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे आता ही आता है क्वेश्चन कंफर्म है, और सेकेंड और थर्ड तुम्हारा बेस बनाएंगे, और 4, 5, 6, 7 ये चार चैप्टर जो है ये बिल्कुल एक ही बेस पे काम करता है। मतलब अगर ये दो चैप्टर तुमने बहुत अच्छे से कर लिए, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तो ये मान के चलना तुम्हारा 4, 5, 6 और 7 में काफी कुछ कवर रहेगा। मतलब काफी कुछ से मेरा ये कहने का होता है यहाँ पे 40% तुम्हारा बेस कवर रहेगा, तो और भी पढ़ना बाकी रहता है बेटा। हाँ 60% बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं,
बट जैसे फोर्थ चैप्टर में पढ़ लोगे तो फिफ्थ में नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिफ्थ में कुछ नई चीजें आएंगी तो सिक्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिक्स सेवन तक तो आते आते ऐसा लगेगा यार ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ। बस होता क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस करते हुए मिलेगी और हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चैप्टर नंबर एट थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे है, तो इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर चलेंगे पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सी बुक उठानी है, कंपनी वाली बुक रहती है, और एक दूसरी हमारी कौन सी रहती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब वो आएगा तो उसकी चर्चा करते हुए चलेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कब पढ़ना। ठीक है, अब एक बार फाइनली बता देता हूँ, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मंडे से एक्चुअली है ना, अभी फिलहाल जो मैं टाइमिंग रख रहा हूँ क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत है, तो मेरा ये मन है कि अकाउंट्स को तो वही 4:30 से 5:30 ही रखते हैं हम, और इको बीएस जो हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं वो 5:30 से 6:30। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट्स इको बीएस, और बाद में इसी इको बीएस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाद में कब, तो जुलाई में फर्स्ट वीक में या जून में एंड में, वो तुम्हारा ऊपर हो जाएगा। तो बाद में ये टाइम हो जाएगा बेटा 3:30 से 4:30। ठीक है, अब 3:30 सर हमारी स्कूल छूटेगा कि नहीं छूटेगा, हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये सारे डिस्कशन रहेंगे। अभी स्कूल के टाइमिंग्स वगैरह मुझे बता देना, किसके कितने क्या, मतलब क्या बोल रहे हैं फाइनली, कौन सी क्लास के क्या क्या चल रहा है, भाई आरडी में क्या है, एलएफएस में क्या है, सतपुड़ा एमजीएम केवी, जितने भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे मुझे बता देना। मान लो अगर इसमें कुछ रहता है तो फिर मैं उसको 3:45 कर लूंगा, इससे ज्यादा लेट तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे भी और क्लासेस लेनी रहेगी, मेरी 4-5 कंटिन्यूस क्लासेस रहेगी, इसलिए मुझे 3:45 एनी हो। और 12th को इसलिए लेता हूँ क्योंकि 12th में वैसे भी स्कूल में कम लेते हैं लेक्चर्स, 11th में ज़्यादा लिए जाते हैं, तो 3:45 से अगर स्टार्ट होता है तो 5:45 तक ये कब रहेगा, जुलाई से फिर हमारा फाइनल हो जाएगा, फिर कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। इको भी एस पहले पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये मेरे प्रमोशन के लिए बेटा, अगर अभी भी किसी को पढ़ना है 12th में तो तुम उन्हें बोल सकते हो डेमो के लिए आने का बोल सकते हो। ठीक है, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं है, आज से अपन ने थ्योरी स्टार्ट किया है, आगे और भी इसमें अगर कुछ छूट भी जाता है तो वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, तो 11th वाले बच्चों को भी अगर तुम्हें कन्वे करना चाहते हो तो उन्हें भी कन्वे कर सकते हो। ठीक है, अपनी अपनी तरफ से जिसको भी तुम कन्वे कर सकते हो, अकाउंट्स इको बीएस सेम पैटर्न पे मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। इवन अगर एमपी बोर्ड का भी बच्चा हो तो वो भी मुझसे पढ़ सकता है, उसकी क्लासेस सेपरेट रहेंगी, हम सीबीएसई के साथ उसको मर्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड की क्लासेस सेपरेट रहेंगी 11th 12th की, उसको सीबीएसई से मैं मर्ज नहीं करने वाला हूँ, तो उनको अगर पढ़ना है। अच्छा, उनका फीस में भी लगभग 50% के आसपास का वेरिएशन आएगा। ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस एनी हाउ सीबीएसई से कम होता है, उनकी पढ़ाई का भी मतलब जो एक पैटर्न होता है वो थोड़ा सा कम में जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे अकाउंट्स में 3 बुक है, उनके अकाउंट्स में सिर्फ एक ही बुक रहती है, चैप्टर्स उतने ही है, चैप्टर्स में कम ज्यादा नहीं रहता है, बट फर्क वही आ जाता है कि लेवल का। एक ये अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें, बुक भले वहां पे 2 है या 1 है शायद, बट लेवल उनका और ज्यादा हाई रहता है। हाँ, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि सर देखो सीबीएसई में तो ये बुक बहुत सफिशियंट है, अगर तुम 2 बार भी इस बुक को कंप्लीट कर लोगे ना, इससे ज्यादा तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें कई बार तुम पूछ लेना पुराने बच्चों से, उनने एग्जाम दिए, उनसे पेपर समझ लेना, मैंने जितने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे, मैंने उनको यही कहा था कि 2 बुक सिर्फ इस बुक को 2 बार कर लो, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज रही बात, हाँ तुम्हें लगता नहीं सर हमें एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है अभी से, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं या कुछ ऐसा कि कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मुझे बताना, तो मैं तुम्हें आईसीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो वो ट्राई करके देखना, वो आते हैं फिर एडवांस लेवल के, बट मैं इतना बोल दे रहा हूँ वो सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं। तो तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा एफर्ट देने खुद के लिए तो बात अलग है, अदरवाइज एग्जाम लेवल पे जरूरत नहीं है, एग्जाम लेवल पे हमारा ये जो लेवल है ये बहुत है। क्लियर है? चलो, एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? समीर बेटा कुछ पूछना है? अदिति? समीर तेरी आवाज नहीं आ रही है, और इधर बाकी जने? ठीक है, तो कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, नोट्स कॉपी और प्रैक्टिस कॉपी दोनों साथ में लेके चलना। नोट्स कॉपी इसलिए लेके चलना, भले अभी तुम्हारे पास लिखने का नहीं होगा, जो पुराने बच्चे होंगे उनके पास नोट्स बने हुए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ तुम्हें अलग से मार्क करना है, दोबारा पढ़ना है, तो तुम उसमें से कर सकते हो। ठीक है,
और ये मान के चलना बहुत जल्दी तुम्हारी पीटीएम की प्लान हो जाएगी इस बार, इस महीने के एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में। हाँ, पीटीएम तुम्हारी कम से कम 2 से 3 बार तो रहेगी, मतलब ये मान के चलो वो दिवाली तक कम से कम 2 से 3 बार ले लूंगा मैं तुम्हारा क्या प्रोग्रेस जा रहा है। ओके, तो मैं क्लास की अभी रिकॉर्डिंग को यहीं एंड कर रहा हूँ, किसी को कुछ और पूछना है तो बता देना। बाय बाय।